फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 नंबर में हम लोग देखे थे कि कुछ ऑर्डर पेयर दिया गया था, इट मीन्स कुछ पॉइंट्स दिए गए थे और हमें ये फाइंड करना था कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो वो हम लोग अगर अच्छे से समझ गए हैं तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है आपको, अगर हम पहला नंबर क्वेश्चन लें तो 2x-3y = 6 है। यहां से आप लिख सकते हैं 2x = 6 + 3y और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 + 3y / 2। तो यहां से हम x का वैल्यू फाइंड किए, ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि y का वैल्यू कुछ, तो फिर x का वैल्यू आप फाइंड कीजिए कि अगर y टेंड्स टू एनी वैल्यू देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट y = 0, अगर हम y का वैल्यू 0 मान रहे हैं देन x = क्या हो जाएगा, 6 + 3 × 0/2 = ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 6/2 इट मीन्स, ठीक है। अगेन y = अब की बार मैं क्या मानूं, क्योंकि देखिए यहां पर एक वैसा वैल्यू आप मानिए जिससे x का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, एक y का वैल्यू हम क्या मान ले, 2 मान लेते हैं। अगर y का वैल्यू हम 2 मान ले देन x = हो जाएगा 6 + 3 × 2/2 = 12/2 इट मीन्स 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या मानेंगे, y = -2 मान लीजिए, ठीक है। देन x = 6 + 3 × -2/2 इट मीन्स आ जाएगा x का वैल्यू 0। अब इसके बाद हम y का वैल्यू क्या मान सकते हैं, y का वैल्यू आप मान लीजिए यहां पे 4, अगर हम 4 मानते हैं देन x का वैल्यू क्या आएगा, 6 + 3 × 4/2 = ये हो जाएगा 12 + 6 = 18/2 इट मीन्स कितना, 9, ठीक है। अब उसी तरीके से y का वैल्यू अब की बार मानिए -4, देन x = क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा 6 + 3 × -4/2, ठीक है। तो 6 - 12/2 = -3, ठीक है। तो ये हमारा 5 वैल्यू आया। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे आप बॉक्स बना दीजिए इसको, ठीक है। एक साइड x लिखिए और दूसरे साइड y। अगर y x का वैल्यू हमारा 3 है तो y का वैल्यू 0, या फिर हम तो यहां पे माने 0 पहले y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 6, ठीक है। y का वैल्यू -2 तो x का वैल्यू 0, फिर y का वैल्यू 4 तो x का वैल्यू 9, और फिर हम क्या माने हैं -4 तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -3। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया 5 सोल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन। देखिए, अब ये जो हमारा सोल्यूशन है हो सकता है कि बुक से मैच करें या नहीं करें। किसी भी इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल में हो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशन देखें तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो जो हम फाइंड कर रहे हैं वो दिया ना हो ये भी हो सकता है, या फिर जो आप फाइंड कर रहे हो वो मेंशन ना हो,
तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ भी आंसर आ सकता है, बशर्ते आपका बनाया हुआ सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x/5 + 3y/10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर जो दिया गया है वो 2x/5 + 3y/10 = 3 है। यहाँ पे आप ये दोनों का एलसीएम 10 लेंगे, ये हो जाएगा 4x + 3y = 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x + 3y = 30, ठीक है। यहां से अगर x का वैल्यू निकाले तो 30 - 3y/4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करिए y का। देखिए किसी को भी आप इधर सिंगल टर्म रख सकते हैं, x को भी y को भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेट y इज इक्वल टू, अगर मैं मान लू यहां पर 0 मान लेते हैं या फिर 2 मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 - 3 × 2/4। तो ये 30 या -6 हो जाएगा, 24/4 = 6। अब y का वैल्यू क्या मानते हैं, 4 मान लीजिए। अगर 4 मानते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 30 - 3 × 4/4। तो ये 12 में माइनस होगा तो बचेगा कितना, 18। तो 18/4 = आ जाएगा आपको 9/2, या फिर 4.5 आप लिख दीजिए, ठीक है। हालांकि फ्रैक्शन में नहीं रहे हो, एक वैसा वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो आप इजीली उसको वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसा वैल्यू रहे या फिर और भी क्रिटिकल वैल्यू रहे फ्रैक्शन में, जैसे 3.7525 इस तरह का वैल्यू रहे तो वहां पे दिक्कत आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये 30 by 4, तो ये आ जाएगा 30/4, इट मीन्स ये 15/2 = 7.5। तो यहाँ पे अब पॉइंट में आंसर आ रहा है। उसी तरीके से अब क्या मानेंगे, 2 मान लिए, अब -2 आप मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा कितना, प्लस सिक्स, तो ये 36/4 = ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4, पांचवा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं -4, तो ये आ जाएगा कितना, ये +12 = 42/x = आ जाएगा 42/4, इट मीन्स 21/2 = 10.5। तो यहां से अगर हम ब्रैकेट एक बना लें, तो यहां पर x और ये y, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर दूसरा हो गया 0, फिर -2 हो गया, और लास्ट हमारा -4 हो गया। यहां से 6 एक वैल्यू हो गया, फिर 4.5 हो गया, 7.5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा -4 हुआ, और ये हो गया 10. तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सी नंबर। तो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया है 3y = 4x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y/4, ठीक है। तो अब यहां से लेट y इज इक्वल टू क्या मान ले, y इज इक्वल टू अगर हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 × 3 = 12/4 = 3। अब y का वैल्यू हम मान लेते हैं -4, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12/4 = -3। इसके बाद हम y को मानते हैं 8, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 8/4, ये आ जाएगा 6। अब की बार y इज इक्वल टू मानते हैं -8, तो ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 × -8/4, ये दो बार में कट जाएगा, -6,
और लास्ट जो है वो वाई का वैल्यू हम मान लेते हैं 12, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 × 12/4, ये 3 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9। तो हमारा सॉल्यूशन जो आया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्स और ये वाई, ठीक है, और एक बच रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाई का वैल्यू 4 − 4 = −8 और लास्ट कितना है 12, तो ये आ रहा है 3 − 3 = −6 − 6 = 9, ठीक है। तो ये आपको सोल्यूशन, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, तो द गिवेन इक्वेशन इज 5x − 3y = k, ठीक है। सिंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सो 5 × जो देखिए ये अगर इसका सोल्यूशन है, इट मीन्स क्या कि अगर x का वैल्यू यहाँ पुट करे और y का वैल्यू यहाँ पुट करे तो LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, और RHS में हमारा कितना है k है, तो जो हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहे वही k का वैल्यू होगा। तो 5 × 3 − 3 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 − 12 इज इक्वल टू k, 3 इज इक्वल टू के, तो यहां से हमारा के का वैल्यू आया, हेंस वैल्यू ऑफ के इज 3, ठीक है ना। अगर के का वैल्यू 3 अगर रहेगा इस इक्वेशन में, तो एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।